राधा कृष्णा कुमार काफ़ी यंग टैलेंटेड डायरेक्टर हैं। भले उन्होंने अपने कैरियर में ज़्यादा फिल्में डायरेक्ट नहीं किया है, पर उन्होंने कुछ फिल्मों का डायलॉग राइटर का ऊपर काम भी किया है। और आज मैं ऐसे ही राधा कृष्णा का डायरेक्शन और राइटिंग का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के बारे में बताने वाली हूँ। और अगर आप हो फिल्म लवर तो वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, एक लाइक भी करिएगा। तो चलिए इंट्रो के बाद मिलते हैं। वन ओक्कादो नादू, ये 2007 का एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था चंद्रशेखर ने और उनका डायलॉग राइटर पर काम किया है राधा कृष्णा कुमार ने। और अतः दोस्तों इसमें माचो स्टार गोपी चंद को लीड रोल में नजर आई है। इसमें किरण कैसे ब्लड डोनेट करने के चक्कर में एक माफिया गैंग पे फंस जाते हुए इसमें दिखी है और सुनको मिला है काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स और ये रहा हिट। नंबर टू प्रायानम, ये 2009 का फिल्म है जहाँ पर मनोज मंजू और पायल घोष को लीड रोल में नजर आई है। इसमें एयरपोर्ट पे ध्रुव और हारिका के बीच में प्यार कहानी को दिखाई है। और अतः दोस्तों ये फिल्म उस वक्त यंग जनरेशन ने काफी पसंद किया था और ये रहा एवरेज। नंबर थ्री सहसम, ये 2013 का एक्शन एडवेंचर फिल्म है जहाँ पर माचो स्टार गोपी चंद और तपसी पन्नू को लीड रोल में नजर आई है। इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड गौतम कैसे ट्रेजर हंट पे जाते हुए इसमें दिखी है और इस फिल्म का एडवेंचर सीन दूसरा टॉलीवुड फिल्मों से काफी यूनिक है। और अतः दोस्तों क्रिटिक्स इस फिल्म का स्टाइल और ग्रिपिंग स्क्रीन प्ले को काफी पसंद किया था और इसका हिंदी डब अवेलेबल है द रियल जैकपॉट नाम से और जो रहा सुपरहिट। अभी तक की देखा जाए तो डायरेक्टर चंद्रशेखर का डायरेक्शन पे बनने वाले फिल्म का डायलॉग राइटर पर काम किया है राधा कृष्णा ने। नंबर फोर झील, ये 2015 में आई एक्शन फिल्म और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राधा कृष्णा ने, यानी कि इस फिल्म के साथ उन्होंने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था जहाँ पर इसमें भी माचो स्टार गोपी चंद को लीड रोल में नजर आई है और साथ में रहा राशि खन्ना और कबीर दुहान सिंह। इसमें जय और छोटा नायक के बीच में जेल से जुड़ा कर कॉन्फ्लिक्ट को दिखाई है। और वैसे दोस्तों इस फिल्म का गाना और टेक्निकल साइड को काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिला था, पर कलेक्शन के हिसाब से ये फिल्म रहा एवरेज। नंबर फाइव राधेश्याम, और ये फिल्म राधा कृष्णा का एज ए डायरेक्टर सेकेंड फिल्म है और वो भी काफी बिग बजट का, जहाँ पर राधेश्याम का बजट है 350 करोड़ और ऐसे करके ये फिल्म है पूरी इंडिया का सबसे बिग बजट वाला अपकमिंग रोमांटिक फिल्म, जहाँ पर इस फिल्म का VFX बैकग्राउंड स्क्रीन प्ले पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायरेक्टर राधा कृष्णा ने 18 साल तक राधेश्याम का स्टोरी को लिखा है। और जब प्रेमेश प्रभाष ने अपने कैरियर में सबसे बिगेस्ट फिल्म बाहुबली का शूटिंग 2015 से 2017 तक बिजी था, उस वक्त डायरेक्टर राधा कृष्णा ने अपने राधेश्याम का स्टोरी को नैरेट किया था और प्रभाष ने स्क्रिप्ट को काफी पसंद किया और उन्होंने उस वक्त इसी प्रोजेक्ट पे किया था साइन। और सभी लोग जानते हैं कि राधेश्याम पर रमेश प्रभाष और पूजा हेगड़े को नजर आएंगे और टीजर से शुरू करके सॉन्ग तक दोनों का केमिस्ट्री फैंस का दिल जीत लिया है। और कई साल के बाद प्रभाष को डार्लिंग बला अफ्तर में देखने के लिए फैंस ने भी काफी एक्साइटेड है। और अतः दोस्तों इसका स्टोरी 1978 पर बेस्ड है जहाँ पर विक्रम आदित्य को एक पार्मिस्ट के रोल में नजर आएंगे और राधेश्याम का शूटिंग की गई है हैदराबाद इटाली और गॉर्जिया पर। और इस फिल्म का शूटिंग स्पॉट और VFX का कमाल तेलुगु का दूसरा फिल्मों से काफी अलग है। और वैसे दोस्तों राधेश्याम सिर्फ पैन इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड पर हो रही है रिलीज, क्योंकि इस फिल्म को तेलुगु के अलावा हिंदी तमिल मलयालम कन्नड़ा के साथ ही साथ इंग्लिश भाषाओं में भी रिलीज कर दिया जाएगा और जो रिलीज होगा काफी ग्रैंड वे से 11 मार्च 2022 में। दोस्तों राधेश्याम का फर्स्ट शो क्या आपका कन्फर्म है और आपको क्या लगता है राधेश्याम का ओपनिंग कलेक्शन कितना होगा, कमेंट पे बताइएगा। और राधेश्याम क्या बॉक्स ऑफिस पर हिट सुपर हिट या फिर होगा ब्लॉकबस्टर। और दोस्तों अगर आप राधेश्याम का रियल स्टोरी के बारे में जानना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को देख सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। दोस्तों ये रहा डायरेक्टर और राइटर राधा कृष्णा कुमार का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के बारे में। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा और सब बॉलीवुड साउथ इंडियन अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।